नमस्कार दोस्तों, ये है ग्रेनैरो का वायरलेस माइक्रोफोन सेट। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास मिलेंगे दो वायरलेस माइक्स और एक टाइप सी रिसीवर और एक बॉक्स जो एक चार्जिंग बॉक्स है। जब आप ये दोनों माइक्स को इसके अंदर रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं। 8 घंटे का ये बैकअप देता है, ऐसा इन्होंने कमिट किया है, इन्होंने क्लेम किया है। आप देख सकते हैं इसमें प्लग इन प्ले वाला ऑप्शन आता है। इट मीन्स लाइक आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। इसमें 20 मीटर तक की रेंज, एक्सेसिबल रिसेप्शन, प्रिसाइज रेडियो और हाई सेंसिटिव, वाइडली कंपैटिबल, क्लियर टिम्बर। तो ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये है कि आपको इस माइक्रोफोन से, इस वायरलेस माइक्रोफोन से जो क्वालिटी मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी एक्यूरेट मिलने वाली है। तो फिलहाल हम इसको खोल के देखते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलता है। ये पैकेजिंग, और जब हम तो ये है वो चार्जिंग बॉक्स, इसको टाइप सी से चार्ज करते हैं। ये इसका एलईडी इंडिकेटर है, ये कुछ इस तरह से खुलता है। ये देख सकते हैं ये है वायरलेस माइक, दो वायरलेस माइक्स हैं और इनको इसमें रखते ही ये चार्जिंग इनेबल हो जाते हैं। यह है टाइप सी रिसीवर जिसको आप अपने टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं अपने टाइप सी मोबाइल में। तो एक तरह से काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी कंपैटिबल वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है और इसको कैरी करने के लिए पैकेजिंग भी। साथ ही साथ इसमें एक केबल सेट भी आता है। एक इस मैंने इसको भी ओपन किया नहीं था। इसमें हमें मिलता है इसमें दो केबल कनेक्टर्स, एक केबल और 3 अलग अलग तरह के कनेक्टर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3। एक हमारे पास जो है वो आईफोन के लिए है। अगर आप आईफोन से इस वायरलेस माइक को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये उसका कनेक्टर है। और बाकी 2 और कनेक्टर्स आपको इसके साथ मिलते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इसका केबल है। अंदर एक यूज़र मैनुअल भी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको इसको किस तरह से कनेक्ट करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप इसे जब रेफ़र करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप इस वायरलेस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों अभी हम इस माइक्रोफोन को ले चलते हैं और फील्ड में टेस्ट करते हैं। लेट्स मूव। मैं फ़िलहाल अभी तकरीबन 10.5 फीट के डिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया हूँ और मैं काफ़ी डिसेंट वॉइस में, काफ़ी डिसेंट पिच में बात कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई मेरे बाजू में खड़ा होता है तो जितनी हम जिस पिच में हम बात करते हैं, जिस लेवल पे हम बात करते हैं, उस पर्टिकुलर पिच पे बात कर रहा हूँ। और मैं ना ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ ना ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्लियर रिकॉर्ड हो रही होगी। और बेसिकली जब मैं अपने आप को इस तरह से टर्न करता हूँ और जब मैं वापस से सीधा खड़ा हो जाता हूँ तो फिर वॉइस क्लियर रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब यह है कि ये माइक जो है ये कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई बीच में ऑब्जेक्ट आता है, ओपेक ऑब्जेक्ट आता है या कोई भी पर्टिकुलर, तो उसमें वॉइस इंटरप्ट होती है। तो बेसिकली हम डिस्टेंस चाहे कितना भी बड़ा लें, वी ऑलवेज मेक श्योर कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, तब ये वॉइस डिस्टॉर्ट करने लगेगी, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, बीच में गैप आ जाएगा, नो साउंड रहेगा। अब बाकी इन्वायरमेंट की भी आवाज़ आ सकती है आपको, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट मेरी आवाज़ अगर आपको क्रिस्प और क्लियर आ रही है, इसका मतलब ये कि माइक सही फंक्शन कर रहा है। इसके साथ एक
ये एक पेयर ऑफ माइक्स आता है प्लस एक रिसीवर आता है यूएसबी टाइप सी, जिसमें एक कनेक्टर भी आता है 3.5 mm जैक से टाइप सी में कनेक्ट करने के लिए, आईफोन यूएसबी कनेक्ट करने के लिए, माइक्रो यूएसबी कनेक्ट करने के लिए, और इसके साथ एक चार्जिंग बॉक्स आता है। ये है वो चार्जिंग बॉक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चार्जिंग बॉक्स में एक ऑलरेडी माइक रखा हुआ है और इसका रिसीवर भी मैंने फ़ोन से अटैच कर रखा हुआ है। तो कैसी लगी अगर आपको ये रिकॉर्डिंग, प्लीज़ रिव्यू कीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।